Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start the first chapter of our second book, A Peck with the Sun. The name of the chapter is A Tale of Two Birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. So let's start the chapter. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. So once there was a bird, ek par ek bird thi, aur uske do bacche the, newborn babies matlab jo abhi abhi born hue the, abhi abhi paida hue the, aur wo ek forest mein rehte the, ek jungle mein rehte the. They had a nest in a tall shady tree. उनका जो घोंसला था वो एक बहुत ही लंबे और घने पेड़ पे था. Shady मतलब जिसमें बहुत सारे पत्ते और वो काफी घना हो. Their mother bird took care of little ones day and night. तो वहाँ पे उस पेड़ पे उस घोंसले पे वो जो mother bird है वो little ones मतलब वो जो दो बच्चे थे उनका दिन रात ख्याल रखती थी. One day there was a big storm. एक दिन वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया. There was thunder, lightning and rain. तो बिजली कड़क रही थी, गरज रही थी और बारिश थी. And the wind blew down many trees. और हवा की वजह से काफ़ी पेड़ उड़ गए मतलब टूट गए. The tall trees in which the bird lived also came down. और जो बड़ा सा पेड़ था जिसपे birds रह रहे थे वो भी गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बहुत बड़ी branch जो शाखा होती है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक branch थी वो आके nest पे लगी और जो bird थी, mother bird थी, वो उनकी death हो गई, वो मर गई. Unfortunately for the baby bird, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और बदकिस्मती से जो दो बेबी बर्ड्स थी उनको हवा ने उड़ा के फॉरेस्ट के दूसरे कोने में पहुंचा दिया. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रेवर लिव्ड. उनमें से एक वहाँ से निकला घोंसले से और कहाँ पहुंच गया, एक गुफा के पास जहाँ पे रोबर्स मतलब जो लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, उनके ग्रुप के पास पहुँच गया. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा था वो एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया. डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स. काफी दिन गुजर गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो अब बड़े हो गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन जो उस देश का राजा था वो शिकार करने फॉरेस्ट में आया. He saw a deer and rode after it. उन्होंने एक हिरन को देखा और उसके पीछे गाड़ी मतलब जो घोड़े था वो दौड़ाने लगे. It ran deep into the forest followed by the king. वो घने जंगल के अंदर भाग गया जो हिरन है और उसके पीछे राजा भी. Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्दी ही राजा खो गया जंगल के अंदर और उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ पे है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. उन्होंने काफ़ी देर तक घोड़ा दौड़ाया और जंगल के दूसरी तरफ पहुँच गए. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. काफ़ी ज़्यादा थक जाने के बाद वो घोड़े से उतरे और एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए जिसके पास ही एक गुफा थी. Suddenly he heard a voice carry out, "Quick, hurry up, there's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse." तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी जोर की और वो क्या कह रही थी, जल्दी करो, hurry up, quick, hurry up, there's someone under the tree. कोई पेड़ के नीचे बैठा है. Come and take his jewels and his horse. आओ और इसके jewels मतलब जो जेवर हैं, महंगे गहने वगैरह हैं, वो और इसका घोड़ा ले लो.
हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो वरना ये यहाँ से भाग जाएगा। स्लिप अवे मतलब हाथ से निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा है वो हैरान हो गया। ही लुकड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसने ऊपर देखा और देखा कि एक बहुत बड़ा ब्राउन बर्ड पेड़ पे बैठा था। किस पेड़ पे? जिस पेड़ के नीचे राजा रेस्ट कर रहा था। ही ऑल्सो हेयर फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने गुफा के अंदर से भी हल्की हल्की आवाज़ें सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट ही कुड, वो जल्दी से उठा, घोड़े पे बैठा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भाग गया। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, उसके बाद वो एक क्लियरिंग मतलब वहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं थे, खाली मैदान सा था, वहाँ पहुँचा और वहाँ एक आश्रम था। इट वॉज ऋषिज आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इट्स इन इट्स शेड, जो राजा है उसने अपना पेड़ घोड़ा है वो एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाँव में बैठ गया। सडनली हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उन्होंने एक प्यारी सी जेंटल सी आवाज़ सुनी। वेलकम टू आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून। तो उन्होंने कहा कि वेलकम मतलब आपका स्वागत है आश्रम में, प्लीज़ गो इनसाइड, अंदर जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, जो ऋषि हैं आश्रम के वो जल्दी आ जाएंगे। देयर आर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, ठंडा पानी है वो पॉट में पड़ा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मतलब अंदर जाइए और अपने आप को आराम दीजिए, मतलब आप आराम से बैठ जाइए। द किंग लुकड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर देखा और उन्होंने क्या देखा, एक वही वैसा ही बिग ब्राउन कलर का ट्री बर्ड था जो ट्री पे बैठा हुआ था। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर हैरान हो गया। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, उन्होंने अपने आप से ही कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही बर्ड है जो गुफा के बाहर बैठा था। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, जो बर्ड है उसने आंसर दिया, आप सही कह रहे हैं सर। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर, उन्होंने कहा कि वो मेरा भाई ही है पर उसने रोबर्स के साथ जो चोर हैं उनके साथ फ्रेंडशिप कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वैसे ही बोलता है जैसे वो रोबर्स बोलते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे अब बात भी नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और ऐसे बोलते बोलते जो ऋषि है वो आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ही सैड टू द किंग, उन्होंने जो राजा है उसका स्वागत किया। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, उन्होंने कहा अंदर आइए और अपने आप को घर जैसा महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, उन्होंने कहा आप थके हुए लग रहे हैं थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर मैं आपके साथ फूड शेयर करूंगा, आपके साथ खाना बांटूंगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच अदर बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रू दे दो दे लुक सो अलाइक। सो जो राजा है उसने ऋषि को दोनों बर्ड्स की कहानी सुनाई और बताया कि उन दोनों का बिहेवियर कितना अलग था, बल्कि वो दोनों दिखते भी एक जैसे थे। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, उन्होंने कहा कि जो जंगल है वो फुल ऑफ सरप्राइज है, यहाँ पे काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं। द होली मैन स्माइल एंड सेड, जो ऋषि हैं उन्होंने स्माइल किया और कहा आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय कंपेनियन वन कीप्स, उन्होंने कहा लोग ऐसे ही जाने जाते हैं जैसे उनके दोस्त होते हैं। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, ही इमिटेट दैम एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपल, उन्हें कहा दैट बर्ड मतलब वो जो बर्ड था वो हमेशा चोर और जो डाकू थे उनकी ही बातें सुनता था और उनकी नकल करता था। इमिटेट करना मतलब उन्हीं की तरह नकल करता था। एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपल, और लोगों को लूटने के बारे में बात करता था। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज ऑलवेज हेयर, और उसने कहा कि ये जो बर्ड है जो अभी आपने देखा ये वही रिपीट करता है जो ये सुनता है।
ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये लोगों का स्वागत करता है आश्रम में। नाउ कम इन साइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और आराम कर दीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको और इस जगह के बारे में बताता हूँ और इन बर्ड्स के बारे में बताता हूँ। सो दिस वॉज द वर्स्ट चैप्टर, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस, गो थ्रू इट अगेन, कंप्लीट दिस क्वेश्चन आंसर एंड सबमिट टू योर सब्जेक्ट टीचर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।